अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ जुवेद। आप देख रहे हैं ब्राइट हाउस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मेरे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चूंकि आपको पता है मौसम गर्मा की शुरुआत हो चुकी है और डे बाय डे जो मौसम है वो गर्म से गर्म हो जा रहा है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए बेस्ट और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे इन फ्यूचर लाना शुरू करते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। मेरी अगेन सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं जो कि बेस्ड ऑन ईरान, जर्मनी, तुर्की और पाकिस्तान, चाइना, इन तमाम कंट्रीज से रिलेटेड है। तो मेरी अगेन दरख्वास्त है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने अपने जो व्यूअर्स थे उनसे वादा किया था कि हम एक वीडियो के अंदर जो ईरानी कूलर्स हैं इनकी स्पेसिफिकेशंस आपको नहीं बता सकते, तो हम आपके लिए इसमें एक नई वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर डिटेलन इसके स्पेक्स होंगे वो आपको बताएंगे और इसका कंप्लीट रिव्यू देंगे। तो आजकल आपको पता है कि हर जगह धूम मची हुई है ईरानी कूलर की, तो हमने वैसे एक वीडियो पहले भी बनाई थी आज से 2 महीने पहले, लेकिन चूंकि वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हुई थी तो हमने अपडेटेड प्राइसेस और सारी चीज़ों के लिहाज से एक और नई वीडियो आपकी पेज से खिदमत कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आज की वीडियो कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिले। जी तो गाइस, आज का जो प्रोडक्ट है ये है अलूनी एयर कूलर, ईरानी एयर कूलर है और ये दुनिया के अंदर बहुत फेमस ब्रांड है अलूनी, और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ एयर कूलर का इस्तेमाल है वहाँ पे ये एक्सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये इसका दूसरा साल है और उसके अलावा बहुत ही फाइन और अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है ये एयर कूलर जो है वो बनाता है। उसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ आपको तो इसका जो फ्लोर है वो भी मेटल के अंदर है, और अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपके साथ बात करता चलूँ तो इसके अंदर 2 स्पीड्स हैं। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो एक इसके अंदर स्लो स्पीड है, एक फास्ट स्पीड है। ये मोटर का बटन है, इसको आप ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा। ये पंप का बटन है, अगर आप इसका पानी ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका पंप ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा। उसके अलावा ये इसकी वायर है, इस वायर को निकालेंगे आप और उसके बाद जिधर भी आपने प्लग इन करना है उधर इसको प्लग इन कर देंगे, और अगर आप इसको नहीं चलाना चाहते तो इस वायर को वापस आप अंदर डाल के इसके अंदर रख देंगे। उसके अलावा 3390 CFM एयर थ्रो है इसकी, जो कि एक बहुत अच्छी एयर थ्रो काउंट की जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है ये ऑलमोस्ट 200 से 250 square feet एरिया तक कवर करता है, और चूँकि गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है और लोग कूलर्स की तरफ बहुत ज़्यादा रागब हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ दूसरे आम एयर कूलर से इसका क्या डिफरेंस है वो भी थोड़ा सा आपको बताता चाहता हूँ, फिर इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ आऊँगा। बाकी जितने आपके एयर कूलर्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक बॉडी के अंदर आते हैं, तो प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से वो कुछ अर्से बाद जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और नंबर 2 उनके अंदर जो मोटर्स आ रही हैं, यहाँ तक कि जो बहुत फेमस ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो बहुत फेमस ब्रांड भी हैं पाकिस्तान के उनके अंदर भी जो मोटर्स आ रही हैं वो आ रही हैं चाइना कॉपर की, जबकि इसके अंदर 100% कॉपर जो ओरिजिनल कॉपर है वो यूज़ किया जाता है, और चूंकि ये मेड इन ईरान है तो जो इसके अंदर कॉपर बाइंडिंग होती है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक की जाती है, चूँकि ये यूरोप और मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एयर कूलर। तो यूरोप के अंदर भी मैं बताता चलूँ कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे गर्मी में लोग एयर कूलर इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा मैं अगर बताता चलूँ तो ये इसका कुछ एरिया जो ये सरफेस है ये मेटल बॉडी में होती है, और जो अप एंड डाउन है या इसका ये सारा सरफेस है ये एल्यूमिनियम के अंदर बनाया जाता है, और उसके अलावा इसको बहुत हार्ड बॉडी के अंदर बनाया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपका 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल इसकी लाइफ है, 10 साल से पहले ही आपका कूलर ना तो लीक करता है ना ख़राब होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ इसको थोड़ा सा अगर आपको खोल के दिखाऊं तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये इसकी साइड्स हैं,
ये साइड्स के अंदर जो है इसको हम हल्का सा पुश करते हैं तो ये इसकी फर्स्ट जो है ये साइड जो है विंडो ये ओपन हो जाती है। अब ये खोलने का मकसद ये था कि मैं आपको इसकी अंदर की क्वालिटी जो है वो दिखा सकूं और वो क्वालिटी जो है वो आपको बता सकूं। ईरानी में भी इस वक्त 2-3 कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, लेकिन जो अलूनी ने एयर कूलर बनाया हुआ है इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक तो ये मेटल ब्लोअर यूज करती है और नंबर टू इसकी जो क्वालिटी है वो बाकियों से बहुत बेहतर है। उसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखें तो बेल्ट सिस्टम है डबल मोटर, और उसके अलावा इसके अंदर जो मोटर है मैं कोशिश करूंगा वो भी मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें। एक मिनट सिर्फ मुझे दे। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोजन दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मोटर्स डेवलप करती है। इलेक्ट्रोजन का इसके अंदर जो है वो मोटर जो है वो यूज की गई है और 2-speed मोटर है ये। और उसके अलावा अगर मैं बात करता चलूं तो ये मिनिमम अगर आप इसको स्लो स्पीड पे चलाते हैं तो 115 वॉट लेती है, अगर आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं तो ये 180 वॉट लेती है। उसके अलावा आप इसकी क्वालिटी का भी जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। बताता चलूँ तो ये इसका पंप है, ये नीचे लगा हुआ है और इसके साथ अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया हुआ है ताकि किसी किस्म की गंद जो है वो खस वगैरह से या कहीं से उतरती है तो वो इसके अंदर ना जा सके और पंप को ख़राब ना करे। तो उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा नीचे करके आपको मेरे कैमरा मैन दिखा सकें, ये चिट लगी हुई है, ये भी इलेक्ट्रोजन कंपनी का पंप है और बाकायदा उसके ऊपर मेड इन ईरान प्रिंट भी है। उसके अलावा यहाँ से इसका सारा ये सिस्टम है पानी का, ये पानी का सिस्टम ये यहाँ से चलता है और ये 3 पाइप्स हैं इसके अंदर 3 खसों के साथ और वो 3 खसों के ऊपर पानी फेंकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो ये इसका साइड फर्स्ट होती है, ठीक है, और इसका तरीकेकार बड़ा सिंपल है। अभी मैं इसको एक मिनट बंद कर लूँ। उसके अलावा एक चीज़ सॉरी मैं आपको बताता चलूँ, इसका एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स को बताना वो ये थी कि इसको जब आप एक सीज़न इस्तेमाल कर लें और नेक्स्ट सीज़न इसको इस्तेमाल करने लगें तो इसके अंदर जो मोटर यूज़ की जाती है वो बेयरिंग मोटर होती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ये इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें, तो इसके अंदर आपने एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न लाजमी ऑयल डालना है। वो ऑयल की इसके अंदर साथ मौजूद होती है, उसके अंदर आप कोई भी मोबलाई या कोई भी चीज़ डाल के इसके अंदर ऑयल आपने लाजमी करना है इसको। ये दोनों साइड्स पे होती है, इस साइड पे भी होती है और इसकी जो सेकंड साइड है दूसरी साइड उसमें भी वो मौजूद होती है, दूसरी साइड ये होती है, यहाँ पे भी आपने इसको ऑयल डालना होता है। तो ये दो साइड्स पे आपने ऑयल जो है इसके अंदर लाजमी पुट करना है ताकि आपकी जो मोटर है वो आवाज़ ना करे। जी तो गाइज अब मैं आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देने लगा हूँ ऑन करके। सबसे बड़ी चीज़ इसका नॉइस लेवल जो है वो आपको चेक करवाने लगा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है कि जो ये ब्लोअर कूलर होता है इसकी शायद आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत शोर करता है। उन लोगों के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी हमने बनाने की कोशिश की है, हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये इसकी स्लो स्पीड अभी मैंने ऑन की है तो आप स्लो स्पीड पे इसकी जो वॉइस है वो सुन सकते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये जो अभी आपको थोड़ी बहुत अगर आवाज़ आ भी रही है ये आवाज़ जस्ट इस वजह से आपको आ रही है क्योंकि अभी एक तो ये खाली है, इसके अंदर पानी नहीं है, और सेकेंडली इसका जो विंड बाहर हवा जो बाहर आ रही है ये उसकी आवाज़ है। उसके बाद इसकी दूसरी स्पीड अगर हम ऑन करते हैं तो ये इसकी हाई स्पीड है और ये इस वक्त हाई स्पीड पे चल रहा है और आप इस पर भी देख सकते हैं इसकी बिल्कुल माइनर सी आवाज़ जो आपको आ रही है। उसकी मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर एक तो पानी नहीं है और सेकेंडली इसके अंदर इस वक्त जो है जो इसकी हवा है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसकी जो आपको आवाज़ है वो महसूस होती है। तो अभी हमारे पास क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपको पंप भी ऑन करके दिखाता अगर पानी इसके अंदर मौजूद होता। इसके अलावा ये इसका साइड सिस्टम क्या है, गाइज हमने आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दे चुके हैं, ऑन करके भी दिखा दिया है, सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। मैं बताता चलूँ इसके अंदर हमारे पास 3 मॉडल्स मौजूद हैं, एक इससे छोटा मॉडल है, एक मीडियम ये है और एक इससे बड़ा मॉडल है जो कि
बड़े हॉल्स वगैरह के लिए बना हुआ है। छोटा मॉडल जो है उसका V2F मॉडल है, और जो ये मॉडल है जो आपको हमने दिखाया है इसका मॉडल है AC1432 अलूनी कंपनी का है ये, और इससे जो बड़ा मॉडल है वो है AC1435। ये तीनों ही मेड इन ईरान है। और उसके अलावा अगर मैं प्राइस की बात करता चलूँ तो मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस इस वक्त चल रही है वो है 35,000 रुपीज़। हम लोगों से अगर आप बाय करते हैं तो हम लोग आपको देंगे 31,000 रुपीज़ में, और लाहौर के अंदर इसकी डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी प्रोडक्ट भी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं या किसी और चीज़ की वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए। और अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप हमसे नीचे क्वेश्चन में भी कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, उसके अलावा आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ मैं आपको अपना नंबर बताता चलूँ ऑर्डर के लिए, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं ऑर्डर के लिए किन नंबरों पर रब्ता करना है, तो नंबर नोट कर लें। हमारे दो नंबर हैं, 1033-483-3308 और दूसरा नंबर है 0324-313-2546। ये दो नंबर हमारे आपको 12 घंटे अवेलेबल होंगे डे टाइम में, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो या कोई भी ऑर्डर प्लेस करना हो आप हमें नंबर्स पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा आबिद मार्केट में मेन के ऊपर ही शुजान बेकरी के बिल्कुल अपोजिट हमारी शॉप है, ब्राइट हाउस हमारी शॉप का नाम है। आप हमारी शॉप पे विजिट करके भी कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हो कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं अपने जो ऑनलाइन बायर्स हैं उनको जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकें वो करते हैं। तो हमें उम्मीद है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है हमारे कस्टमर्स की तरफ से जो हमारी YouTube की तरफ से आते हैं, हम भी उनको उतनी मोहब्बत दे रहे हैं जितनी मोहब्बत वो हमें दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह।